अभी यहाँ पे जो हाइट है लगभग लगभग बाजू में आपको दिख रही होगी ना राइट साइड पे, ये करीब 10 से 12 फीट। और हम लोग ने क्रॉस किया अभी चांगला, जो कि 17,500 कुछ फीट पे था। सांस बाकी, अभी यहाँ उतरने में बहुत ज़्यादा फूल रही है, और जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरते हैं तो हम लोग का सर घूमना चालू हो जाता है, और गाड़ी में बैठते हैं तो उतना दिक्कत नहीं आती मेरे हिसाब में। ऐसा है क्या निखिल? Exactly. ऐसे ही है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे साथ हो रहा है, नहीं लेकिन ये ऐसा है ही। गाड़ी में एसी चलता है, एसी में भी ऑक्सीजन का। ये देखिए, थोड़ा सा भी यदि आपसे मिस्टेक हुई ना, सीधे खाई में नीचे, ये गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई है। देखिए आप, बाप रे, बहुत ही शानदार नजारे हैं, लेकिन बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। अभी जैसा आपने देखा था मिलिट्री की गाड़ी तक, मतलब आप समझ सकते होंगे। आई होप सो किसी का कुछ हुआ ना हो, खाली गाड़ी का ही डैमेज हुआ हो। वी फिंगर क्रॉस कि सब सुरक्षित हो। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पूरी फ्रोजन लेक है, और ये थोड़ा सा पानी आपको यहाँ दिख रहा है, ये मेल्ट होता हुआ, मतलब ये मई का लास्ट मंथ चल रहा है। सोचो आप ये बाकी टाइम कैसे लगता होगा। अल्टीमेट अल्टीमेट, और कुछ लोग भी आपको वहाँ देखो दिख रहे हैं फ्रोजन लेक पे चलते हुए। तो आई थिंक सो अपने को चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो गाड़ी लगाते हैं बाजू में और एक बार आपको अच्छे से दिखाते हैं फ्रोजन लेक। फाइनली हम लोग आ गए थे फ्रोजन लेक पे, अब यहाँ से नीचे उतरते हैं और आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कैसी है फ्रोजन लेक। अमेजिंग लगा जा रहा है यार, अमेजिंग। यहाँ पे फोटोग्राफ बहुत अच्छे आएंगे, बहुत ही अच्छे आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये है फ्रोजन लेक, अमेजिंग नज़ारे। बाकी ऐसी गंदगी ना करें प्लीज़, यहाँ पे आएँ, बियर दारू कैंड ये सब कुछ नहीं। अमेजिंग नज़ारा यार, ये है पूरी फ्रोजन लेक, क्या नज़ारा है, अमेजिंग। क्या फील है लेकिन, देखो तो क्या फील है, कैमरे में तो देखो कैसा ये यहाँ होनी थी ग्लेनफिटिक, जो हम छोड़ के आए रूम में। गुड बाय कहते हैं फ्रोजन लेक को और चलते हैं पेंगोंग लेक की तरफ। अभी तो ये चढ़ना बाकी है, क्योंकि हर एन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, एनर्जी, टाइम, मनी, सब चीज। और ये हमारे चतुर चतुर रामलिंगम सू सू हूं बन। अभी हम लोग आ गए थे बहुत ही करीब चाइना बॉर्डर के, क्योंकि पेंगोंग लेक भी जो है वो इंडिया में तो है ही है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना बॉर्डर में है। और नीचे जो आपको दिख रहा है, ये है मिलिट्री पूरे कैंप, और यहाँ पे शूटिंग जो है अलाउ नहीं है, ये पूरे कैंप मिलिट्री बेस बना हुआ है नीचे, जितना भी दिख रहा है आपको। तो बस पहुँचने वाले हम लोग बहुत जल्दी, और निखिल भाई के थोड़े से कान हाँ बंद होना चालू हो गए, क्योंकि यहाँ वैसे ही कहते हैं कि ऑक्सीजन आओ तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेके आओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ। चलो उड़ के, चटकदार बनी ना, चटकदार बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा है ना, है ना, और ऐसा लग रहा है कि अभी बनी है और अपन सबसे पहले उद्घाटन कर रहे हैं इसका। फील है, फील मतलब, देखो आया ये वही रोड है जिसपे जब तक है जान में शाहरुख खान ने अपनी बुलेट दौड़ाई थी, चलाई थी नहीं उसका।
दौड़ाई थी, जैसे हम लोग अभी गाड़ी दौड़ा रहे हैं उनने बटन दौड़ाई है। अभी अभी हम लोग आ गए वाइट सैंड के स्टोन में, मतलब अगर आप देखो ये बाजू से देखेगी आपको, ये देखो ये पूरी सैंड है, रेत है, रेत वाइट कलर की बिल्कुल आप देखो, और ये पूरी इस पहाड़ों से आई है नीचे, ये देखो आप बहुत ही अमेजिंग। साइड में देखो आप पूरा वाइट स्टोन, ए वाइट सैंड, और बस 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से पेंगोंग लेक। बहुत ही ऑसम लग रहा है ना, आपको सामने दिख रहा होगा, और अभी आने वाला है साइन बोर्ड, ये लिखा है 12 किलोमीटर। शानदार शानदार जबरदस्त जिंदा दिल, क्या तो लग रहा है यार, बस पेंगोंग आने वाली है। फाइनली वी रीच पेंगोंग लेक, ना ऑसम है ना यार, क्या तो लग रहा है। नाउ फाइनली इन 400 मीटर्स, हाँ बोलो भी तो आगे। पेंगोंग लेक बड़ा भाई, यहाँ विंड बहुत तेज है, जबरदस्त जबरदस्त जिंदा दिल। फाइनली हम लोग आ गए पेंगोंग लेक, और ये 360 डिग्री में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ऑसम व्यू, ये देखो आप कुछ इस टाइप से है। और अभी जाएंगे हम लोग आगे, ऑसम ऑसम ऑसम। सिर्फ स्की के लिए 5 घंटे ड्राइव कर गया है, और एल्टीट्यूड तो अभी पता ही नहीं है कितना है। गाड़ी खड़ी है वहाँ बहुत दूर, ये अपने निखिल भाई, और पीछे आपको दिख रहा होगा गौरव भाई आते हुए, और पानी के आपको 3 कलर दिख रहे होंगे, एक ब्लू, एक डार्क ब्लू, और एक लाइट ब्लू। बहुत ही क्लीन वाटर है, आवाज में थोड़ी सी खरखराहट आ रही होगी क्योंकि यहाँ विंड नॉइस थोड़ा सा होगा। गजब का यार,
अब हम लोग यहाँ से उड़ाएंगे ड्रोन की शॉट। अभी बस आपको दिखेंगे ड्रोन के खूबसूरत शॉट। ऑसम वेदर है, ऑसम। और ड्रोन शॉट आपने अगर देखे होंगे तो मज़ा आ गया होगा आपको, गजब का। और यहाँ बस इनका फोटोशॉप ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये पिछले 15 मिनट से एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे हैं बस। गाड़ी खड़ी अपनी वहाँ पे, अभी जो आपने देखा ये था पेंगोंग लेक, बहुत ही ऑसम था। क्या नज़ारे हैं अभी भी, आप देखो बहुत ही शानदार। अभी जा रहे हैं हम लोग गाड़ी में वापस, क्योंकि डिहाइड्रेशन का लग रहा है। पानी वानी पियेंगे और कुछ आगे BRO के कैफ़े में कुछ खाएंगे अपन। और निकलते हैं अभी हम यहाँ से। अब आएंगे कुछ आगे और निकलेंगे सीधा लेह के लिए, क्योंकि यहाँ से वापसी का रास्ता भी है 4-5 घंटे का। और नज़ारे चारों तरफ एक जैसे ही है। अभी फाइनल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, एस्केप कर रहे हैं पेंगोंग लेक से, क्योंकि थोड़ा सा डिहाइड्रेशन लग रहा है। पानी पिया है हम लोग, अभी गौरव भाई भी रह रहे हैं पीछे पानी। और ऑसम वेदर, ऑसम नज़ारे, मस्ट प्लेस विजिट में है। लेकिन भाई बच्चों के साथ नहीं आ सकते आप लोग इधर पे, रास्ते बहुत ख़राब हैं, बहुत स्टीफ हैं। चलो फाइनली अब निकलेंगे हम लोग यहाँ से। और ये देखो आप क्या लेक है, ये देखो इसको बोलते हैं पूंगा। ये छोटे छोटे बंप देख रहे हैं ना आपको, इसको पूंगा। ये देखो आप, ये पूंगा बोलते हैं इसको, पूंगा। बेहतरीन पापड़ पराठे, और टेस्ट वाकई में गजब का, एक नंबर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मिनी स्विट्जरलैंड। ये देखो आप, बिल्कुल नीला आसमान चारों तरफ बर्फ। और ये अपनी गाड़ी फॉर्ड एंडेवर,
जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूरोप का पूरा खर्चा बाहर बच गया। ये देखो चाहते हैं हम लोग चांगला, पेंगोंग से लेके लिए निकले हैं और चांगला भी पड़ा हुआ है। यहाँ चांगला बाबा जी का मंदिर है और ये जो इसकी हाइट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसकी हाइट है 17,586 और ये लेफ्ट में चांगला, टेन हाईएस्ट मंदिर। हाँ, और ये लेफ्ट में मंदिर है, राइट में ये आपका वो है। इसके पहले वाला ब्लॉग देख लेना, यहाँ हो सकता है इसके पहले वाली क्लिप में हो। सुबह का जो रेस्क्यू ऑप्शन ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू सेना का, हाँ सेना का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, यहाँ पे सुबह एक टैंकर पलट गया था। ये देखो यार, आई होप सब यहाँ ठीक हो। ठीक है चलो, ये जो था ना, ये क्या था, ये जो था बर्फ पिघलती है ना, स्नो मेल्ट होती है ना, उसी का ये छोटा छोटा रूप बन जाता है। जैसे जैसे रात हो जाए थोड़ा बढ़ते जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फाइनली बैक टू होटल, समय 6:30 7:04, अभी निकलेंगे यहाँ से कहीं और के लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, कपड़े चेंज कर लें, मुँह हाथ धो लें, फटाफट निकलेंगे अभी यहाँ से। हेलो जी, हेलो, अभी हम लोग निकले हैं फिर से रेडी होके, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मॉल रोड बना हुआ है, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कुछ घर वालों से शॉपिंग कर लेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, वॉकिंग है तो सीधे वहीं पहुँच के आपको बताते हैं कि क्या है, कैसा है और कहाँ बैठ के क्या खाते हैं और कुछ नज़ारे यहाँ से ऐसे। ये देखो ये हो गया रेडी भाई लोग, चलो भाई लोग अभी हम लोग घूम रहे थे मॉल रोड पे, ही आ गया मॉल का मार्केट, और कैफे ज़्यादा बने हैं, लोकल शॉप ज़्यादा है। ये है लेह की फेमस यहाँ की मस्जिद, जामिया मस्जिद लेह लद्दाख, मॉडर्न आर्किटेक्चर बनी हुई है। और ये यहाँ का मॉल रोड, ये हम लोग पीछे से एंट्री किए हैं इस साइड से, और जाएंगे हम लोग अभी इस साइड। अभी बैठे हम लोग मॉल रोड पे, ये देखो फुटपाथ, बहुत ही ऑसम मज़ा आ रहा है क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली है। हाँ बेहतरीन हरियाली, ऊपर रेस्टोरेंट, नीचे शॉप, शानदार नज़ारा। जूस वगैरह कुछ पिए नहीं, एनर्जी मॉल रोड पे हो गया हम लोग का डिनर, अब यहाँ से निकलेंगे सीधा होटल और कप से सो जाएंगे। ले मॉल रोड पे आपको दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब कल देखते हैं क्या नया क्या तिकड़म, चलो मिलते हैं कल सुबह आपसे, हम करेंगे गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।